हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दिवाली से पहले मैंने होम डेकोर के कुछ सामान लिए थे और मैंने सोचा था वीडियो बनाऊंगी, बट मैं बना ही नहीं पाई। उसके बाद दिवाली आ गई, दिवाली भी चली गई, उसके बाद भी मैं वीडियो नहीं बना पाई। सो आज ही मैंने सोचा कि चलो आज ही बना लेती हूँ, अभी बना लेती हूँ। सो मैं अभी सोचा कि आपसे शेयर करती हूँ। सो आज मैं बनाने वाली हूँ मीशो होम डेकोर हॉल, और सारी चीज़ें जो मैंने ली हूँ काफ़ी अफोर्डेबल है, और कुछ चीज़ें बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, मतलब बहुत बेकार है, जो कि मुझे लगी सच में बहुत बुरी। सो जो भी है मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने सारी चीज़ें मतलब कि ना डेकोर कर दी है, मतलब मैंने सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे लगा दी हैं, उनको मेरे पास ऐसे ही नहीं रखे हुए हैं, इसलिए मैं सीधे आपको सारी चीज़ें उनकी जगह पे जाके दिखाऊंगी। सो या चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। सो फर्स्ट है ये सुंदर सी बेडशीट वाइट कलर में, और इस पर फ्लावर्स बने हैं, मतलब डिटेलिंग तो बहुत प्यारी है इसकी। एंड ये पिलो के कवर आए हैं, मतलब ये कुशन आए हैं, ये ऐसे ही आए हैं, सिर्फ कवर नहीं पूरा कुशन आया है। और ये है कवर जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इन लोगों ने इसको बनाया है, मतलब ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो पिलो कवर्स हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, और जो कुशन्स हैं वो भी बहुत प्यारे हैं, साइज़ भी बहुत अच्छा है। बट ये जो इसका फैब्रिक है ये बहुत थिन है, बहुत ज़्यादा थिन, मतलब आप देख सकते हो मेरे हाथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसा, बहुत थिन है। और छोटी मोटी ऐसी डिटेलिंग है जैसे कि थोड़े बहुत धागे निकले हुए हैं बस, बाकी तो ये काफ़ी अच्छा है, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। इसमें ऑलरेडी लगा दिए हैं, काफ़ी क्यूट लग रहे हैं ये, और काफ़ी प्यारे हैं, और काफ़ी नेचुरल हैं। सो ये 2 का सेट है, इसमें एक ब्लू भी है, बट पहले मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ। सो ये हैं ब्लू वाले, ये उससे भी ज़्यादा प्यारे हैं, उससे भी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने ये 2 का सेट ले लिया, तो ये दोनों साथ में आ गए। सच में आप देख सकते हो अंदर से वाइट सा शेड है थोड़ा सा, मतलब कि लाइट ब्लू, और ऊपर से ये जो बहुत ही क्यूट है। मैं को सबसे अच्छी परचेस, मतलब मेरी कुछ परचेस में से ये काफ़ी अच्छी परचेस लगी, और वहीं मीशो से ये काफ़ी अफोर्डेबल मैंने ग्लास भी लिया है, ये काफ़ी अफोर्डेबल मुझे मिला, सो मैंने इसको भी ले लिया। और ये इसमें रखा है मैंने, आप देख लो काफ़ी बड़ा है वैसे तो, बट इसमें नेचुरल मतलब कि फ्लावर रखेंगे तो ही अच्छे लगेंगे, मुझे लगता है ऐसे ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी इसकी क्वालिटी उतनी भी अच्छी नहीं है, बट इसका प्राइस जैसा है उस प्राइस के हिसाब से ठीक है। सो ओके प्रोडक्ट है तो इतना भी बुरा नहीं है, मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, बट इसमें नेचुरल फ्लावर ज़्यादा अच्छे लगेंगे मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट है ये प्यारा सा प्लांट है, ये काफ़ी क्यूट है ऐसे तो दिखने में, ऊपर से अगेन इसके फ्लावर भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। और ये ट्री जैसा है, मतलब बहुत छोटा ट्री है, बट ये बहुत दिखने में क्यूट है, और जितना इसका प्राइस है उसके हिसाब से ओ माई गॉड ये काफ़ी क्यूट लग रहा है मुझे, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। ऐसे ही थोड़ी सी चीज़ें इसके पीछे थी, बोर्ड सो आगे रख दिया इसको ताकि वो छुप जाए। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ, और काफ़ी क्यूट भी है, मतलब मुझे बहुत पसंद आया। और ये 100% बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपको बाय करना है तो। और इसको जिसके ऊपर मैंने रखा है ये 2 का सेट था बोहो डेकोर का, सो ये भी काफ़ी। और तो मैं आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ जो मैंने रखा हुआ है किचन में। सो ये रहा दूसरा वाला, वहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा आपको। सो ये है दूसरा वाला, और दूसरा वाला मतलब दोनों ही सेम है, पर ये बहुत क्यूट है, मैंने दोनों एक जैसे ही ले लिए। बाकी ये बहुत लंबे थे तो मैंने यहाँ से इसकी थोड़ी नॉट बांध दी और फिर उसको रखा हुआ है। तो हाँ अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छी चीज़ है। और जो नेक्स्ट है वो ये 6 के सेट हैं, ये प्लांट मेरे फेवरेट में से एक है, ये जो परचेस है ना मेरी सच में बहुत प्यारी परचेस है। ये वाले जो प्लांट्स हैं ना वो दिखने में बहुत क्यूट नेचुरल और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगे यार, पता नहीं मतलब 6 के 6 बहुत अच्छे हैं। ऐसा एक और है, मतलब 3 हैं जिसके डुप्लीकेट हैं बाकी 3, और ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, एकदम नेचुरल लगता है, आप देख सकते हो डस्ट जम गया उसके ऊपर। और इसके ही नीचे है ये, आई डोंट नो
इसको क्या बोलते हैं, इसको इग्नोर करो मेरे बोर्ड को, और ये बहुत क्यूट है, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत अच्छा प्राइस में। अभी तक के मैंने आपको जो भी चीज़ें दिखाई हूँ ना, काफ़ी अच्छी दिखाई हूँ, और ये भी काफ़ी अच्छा, ऊपर से कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ें दिखा दी, अब बारी है इसकी। अब आप देखो ये, हाँ मैं इसमें बात कर रही हूँ, ये प्लांट उसका ही है, और मैं बात कर रही हूँ इसकी, इस रैक की। सो आप देख लो अच्छे से, दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसकी क्वालिटी, और ये बहुत ही नाजुक है, ये दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसकी क्वालिटी जो है ना काफ़ी ख़राब है, और ये बहुत नाजुक है। और जब ये आया था तो इसकी बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और इसकी क्वालिटी भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और इस पर 300 प्राइस था, लेकिन जब मैंने परचेस कर लिया, जब परचेस के लिए आया तो उनने 600 लिए, और मैंने नहीं लिया था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि 600 दिए हैं इसके, किसी और ने रिसीव किया था। सो आया तो फिर मैंने चेक किया, पता नहीं क्यों फालतू के पैसे जोड़ के 600 ले लिए थे, बट फिर मैंने ले लिया था, तो मैंने सोचा जाने दो। सो जो इसकी लकड़ी है ना, ये बहुत पतली है, और इतनी पतली लकड़ी है कि नट लगाने के बाद ये टूट टूट रही थी। सो ये आप देख सकते हो ऐसे क्रैक, मतलब बहुत नाजुक है। मैंने इस पर सामान भी बहुत कम, इसलिए मैंने बहुत कम कम सामान रखा है, और हल्का हल्का। सो नेक्स्ट है ये नहीं, ये। सो ये नेक्स्ट है ऑयल का बॉटल। सो इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, ये अफोर्डेबल प्राइस में आया था, बट इस पर बहुत सारे स्क्रैचेस लगे हुए थे, और हाँ दिखने में ये काफ़ी अच्छा है, बट ये जब आया था तब से ही इस पर स्क्रैचेस लगे हुए थे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, कि कम से कम दी थी तो थोड़ी अच्छी तो देते। लास्टली वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ये है, ये मैंने स्टिकर लगाया है इसके ऊपर, जो मैंने गैस स्टैंड पर नहीं लगाया, और ये इसका लुक जो है ना एकदम से चेंज हो गया। मैं रेंट के घर में रहती हूँ जैसे कि, और जो इसका ये था गैस स्टैंड, वो आप देख सकते हो ऐसा है, येलोइश बिल्कुल, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये। और इसको बहुत साफ करने की कोशिश की, साफ़ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने ये देखा, तो फिर मैंने ये ऑर्डर किया, और फिर उसके बाद यहाँ से जो दिख रहा है ना गैस स्टैंड, बहुत प्यारा दिख रहा है। सो मैंने अब यहाँ के लिए भी ऑर्डर कर दिया है, यहाँ पे भी मैं जल्दी लगा दूँगी, बट अभी के लिए ये बाकी का बहुत अच्छा दिख रहा है। बाकी यहाँ तो भी बहुत अच्छे से लगा है, बहुत अच्छे से चिपक भी गया है, जबकि ये जो था गैस स्टैंड काफ़ी खुरदुरा और पुराना बेकार है, बट ये अच्छे से चिपक गया है, आप देख सकते हो। दैट्स इट। और लास्टली है ये टॉयलेट पेपर हैंगर, और इसके ऊपर जगह है, अगर आपको अपना फ़ोन रखना है तो वो रखने की भी जगह है। ये काफ़ी अच्छे से स्टिक हो गया था, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, अफोर्डेबल है, पर इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसके स्टिकर्स भी बहुत अच्छे थे। मैंने एक और प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जिसके साथ स्टिकर्स आए थे, लेकिन वो स्टिकर इतने बुरे थे, और मटेरियल भी बहुत बुरा था। सो ये मटेरियल भी अच्छा है, इसके साथ जो स्टिकर्स आए हैं बहुत बहुत कमाल के हैं, तो मुझे ये अच्छा लगा, 100% रिकमेंडेड।